दूसरा दोस्तों 1950, हाँ दोस्तों 70 साल पहले कोलगेट कंपनी, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी, परेशान थी क्योंकि वहां के सेल्स ऊपर नहीं जा रहे थे। एक तरह से सेल्स स्टैग्नेंट हो गए थे, वहां के मैनेजमेंट, वहां के स्टाफ, वहां के चेयरमैन, डायरेक्टर सब परेशान थे। तभी ही एक नॉर्मल इंसान ने उस कंपनी को अप्रोच किया। उसने उन्हें एक ऑफर दिया कि मैं आपकी कंपनी के सेल्स को 40% तक ऊपर ले जाऊंगा बिना कुछ खर्च करे, बिना कुछ एक्सपेंस करे, लेकिन उस तरीके के मैं आपको चार्ज करूंगा $1,00,000। हाँ दोस्तों, $1,00,000 आज के हिसाब से हुए 75 लाख रुपीस। तो दोस्तों मैनेजमेंट के सामने एक तरफ 75 लाख का खर्चा था और दूसरी तरफ कोई रास्ता नहीं मिल रहा था अपने सेल्स को कैसे ऊपर ले जाए। तो 2 से 3 दिन सोचने के बाद वहां के डायरेक्टर्स लोग ने डिसाइड किया कि हम उस नॉर्मल इंसान के तरीके को एक्सेप्ट करेंगे और उसे पेमेंट करेंगे। तो दोस्तों जब उस इंसान को $1,00,000 मिल गए, उसने उस तरीके को एक प्लेन पेपर पे लिख के एक एनवेलप में डाल के कोलगेट के मैनेजमेंट को दे दिया। तो जब उस मैनेजमेंट ने उस एनवेलप को ओपन किया तो पता है उस पे क्या लिखा था? उस पे लिखा था कि आप अपने टूथपेस्ट का होल सिर्फ 5 mm से 6 mm कर दीजिए। हाँ दोस्तों, इतने सिंपल तरीके से कोलगेट ने अपने सेल्स को 40% तक ऊपर ले गया। तो दोस्तों इससे हमें क्या सीख मिलती है? क्या ये मिलती है कि टूथपेस्ट पे पेस्ट कम डालना चाहिए? नहीं दोस्तों, इससे हमें ये सीख मिलती है कि एक नॉर्मल इंसान, एक आम आदमी भी हमें काफी कुछ सिखा सकता है अगर हम अपना दिमाग, अपनी आंखें खोल के रखे तो। वैसे ही काफी लोग परेशान है कि हमें एक अच्छा बिजनेस चाहिए, एक प्रॉफिटेबल, एक सस्टेनेबल बिजनेस चाहिए बिना कोई इन्वेस्टमेंट के या एकदम कम इन्वेस्टमेंट के, जो पहले दिन से हमें प्रॉफिट दे। तो दोस्तों ऐसे कई बिजनेस है, कई प्रॉफिटेबल बिजनेस है। अगर आप अपने अतराफ में देखोगे तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक चाय वाले को देखना है। हाँ दोस्तों, एक चाय वाला आपको काफी कुछ सिखा सकता है, काफी चीजें बता सकता है, बता सकता है कि आपको कैसे एक अच्छा प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है, कैसे बिजनेस सेटअप करना है और कैसे पहले दिन से अपना गल्ला भरना है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको यही तरीका बताएंगे कि एक चाय वाले से आपको क्या सीखना है। वीडियो पूरा देखना, थोड़ा लेंदी होगा लेकिन काफी कुछ सीखने मिलने वाला है। तो दोस्तों सबसे पहली चीज जो एक चाय वाला हमें सिखाता है वो है चूजिंग समथिंग एसेंशियल। दोस्तों हम अपने दिन की शुरुआत किस चीज से करते हैं? चाय हो गया, बिस्किट हो गया, ऑमलेट हो गया या एक सिगरेट हो गया। हाँ दोस्तों, चाय एक ऐसा प्रोडक्ट है कि हर एक इंसान पीता है, काला हो या गोरा हो, मोटा हो या पतला हो, लंबा हो या छोटा हो, अमीर हो या गरीब हो, हर एक इंसान को चाय चाहिए। किसी को ब्लैक टी चाहिए, किसी को ग्रीन टी चाहिए, किसी को कटिंग चाय चाहिए, किसी को गैलन भर के चाय चाहिए, लेकिन चाय जरूर चाहिए। हाँ दोस्तों, चाय जो है वो हर एक इंसान के खून में, नस में, दिल में, दिमाग में घुस चुकी है। तो दोस्तों आपको ऐसा ही कोई प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करना है। जरूरी नहीं वो चाय हो, वो वड़ा पाव हो सकता है, सैंडविच हो सकता है, डोसा हो सकता है, इडली हो सकती है, मिसल पाव हो सकता है, पाव भाजी हो सकती है, पास्ता हो सकता है, पिज्जा हो सकता है। आपको बेसिकली ऐसा प्रोडक्ट ढूंढना है जो हर एक इंसान अपने आप से रिलेट कर सके और हर एज का कस्टमर उसे खा सके। दोस्तों ऐसा ही प्रोडक्ट हर सीजन में चलने वाला है, पूरा साल चलने वाला है। तेजी हो या मंदी हो, संडे हो या मंडे हो, आपका गल्ला जरूर भरने वाला है। दोस्तों दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक चाय वाला हमें सिखाता है वो है अफोर्डेबिलिटी। हाँ दोस्तों, आपको एक ऐसा प्रोडक्ट अडॉप्ट करना है जो हर एक इंसान के बस में हो उसे परचेज करने के लिए। दोस्तों येवले अमृतालय, येवले चाह, ये ब्रांड आपने काफी सुना होगा, काफी देखा होगा। दोस्तों पता है 2018 में ये ब्रांड अपने सिर्फ 2 आउटलेट से कितना कमा रहा था पर मंथ? 12 लाख रुपए। हाँ दोस्तों, आज की तारीख में तो उसे खुद को पता नहीं उसके कितने आउटलेट से कितना कमा रहा होगा। दोस्तों पता है क्यों वो इतना सक्सेसफुल हो गया? क्योंकि 10 रुपए में वो आपको एक रेस्टोरेंट जैसी चाय, रेस्टोरेंट जैसा टेस्ट, रेस्टोरेंट जैसी क्वालिटी, वैसा फ्लेवर, वैसा एम्बियंस सिर्फ 10 रुपए में दे रहा है, वो भी टपरी के भाव में। हाँ दोस्तों, टपरी पे 8 रुपए की चाय मिलती है, येवले में कप एंड सॉसर में एग्जॉटिक लाइट्स के नीचे, एग्जॉटिक लोगों के बीच में आपको 10 रुपए में मिलती है। दोस्तों सोचो, ये इतना सक्सेसफुल बिजनेस हो गया है कि हर एक इंसान उसे फोन करे अपनी फ्रेंचाइजी के लिए। तो दोस्तों आपको ऐसा ही प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करके उसे अपग्रेड करना पड़ेगा। तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो एक छोटे बिजनेस वाला हमें सिखाता है वो है वैरायटी। वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ।
हाँ दोस्तों, जंबो किंग वड़ा पाव ये ब्रांड ने वड़ा पाव के लेवल को एक अलग लेवल पे ले गया है। ये बर्गर की कैटेगरी में आ गया है। दोस्तों अगर आप महीने के 30 दिन रोज जंबो किंग जाते हो ना, फिर भी आप उसके सारे फ्लेवर्स नहीं खा सकते हो, क्योंकि उसके पास 50 से ज्यादा फ्लेवर्स है। दोस्तों पेरी पेरी फ्लेवर हो गया, बारबेक्यू फ्लेवर हो गया, चिली चीज फ्लेवर हो गया, चाइनीज फ्लेवर हो गया, हर तरह तरह के फ्लेवर है, हर एक एज के कस्टमर्स के लिए फ्लेवर है। दोस्तों वैसा ही आपको एक वैरायटी बिल्डअप करनी होगी। दोस्तों दूसरा एग्जांपल है थिंक जूस। दोस्तों पता है थिंक जूस में इतनी ज्यादा जूस की वैरायटी है, वो भी सिर्फ 30 रुपए में। तो आप क्या पसंद करोगे, 30 रुपए में अच्छे एटमॉस्फेयर में अच्छी लाइट्स के नीचे पसंद करोगे, या रास्ते पर वही रेट में मिलता है 30 रुपए में वहां पीना पसंद करोगे? ऑब्वियसली आप अच्छी दुकान पे अच्छे लोकेशन पे जूस पीना पसंद करोगे। तो दोस्तों वैसा ही आपको अच्छी वैरायटी, अच्छी क्वालिटी, अच्छे प्राइस में देना होगा, और आप जितने ऑप्शंस दोगे कस्टमर्स को, उतना ही आप अपने कस्टमर्स को रिटेन कर पाओगे। क्योंकि दोस्तों कोई भी कस्टमर एक चीज रोज नहीं पीने या खाने वाला है, उसे रोज कुछ ना कुछ नया चाहिए। तो ऑप्शंस एंड वैरायटी इज द स्पाइस ऑफ लाइफ दोस्तों। दोस्तों चौथी सबसे जरूरी चीज जो आपको एक चाय वाला सिखाता है, वो है मेक अ स्मॉल इन्वेस्टमेंट। दोस्तों आपको कोई बिल गेट्स या मार्क जुकरबर्ग पैसे नहीं देने वाला है, आपके फर्म में कोई अंबानी या टाटा वाले इन्वेस्ट नहीं करने वाले, आपको अपनी जेब से अपनी मेहनत का पैसा निकालना है। तो आपको ऐसा प्रोडक्ट या ऐसा बिजनेस ढूंढना है जिसमें आपका इन्वेस्टमेंट एकदम कम जाए। जैसे दोस्तों अगर एक चाय वाला दिन की 500 चाय बेचता है, तो पता है वो कितना इन्वेस्ट करता है? हार्डली 3,000 रुपए। 3,000 रुपए में वो कम से कम 2,000 रुपए प्रॉफिट कमाता है। तो दोस्तों ऐसा बिजनेस जो आपको पहले दिन से प्रॉफिट दे रहा है, पहले दिन से आप एक्चुअली पैसे गिन सकते हो, दोस्तों ये बिजनेस आपको बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल और बहुत ही ज्यादा लॉन्ग लास्टिंग है। दोस्तों पांचवी सबसे इम्पोर्टेंट और लास्ट चीज जो एक चाय वाला हमें सिखाता है, वो है चूज अ सूटेबल लोकेशन। दोस्तों हमारे दिमाग में गलत फहमी होती है कि कम रेंट वाली जगह ज्यादा सक्सेसफुल होती है। दोस्तों ऐसा नहीं है, जगह का रेंट जो है वो जगह को पे करना है, आपको नहीं। 10,000 हो या 1,00,000 रेंट हो, वो जगह पे करने वाली है। दोस्तों ऑब्वियसली 10,000 रेंट वाली जगह कोई जंगल में होगी, और 1,00,000 रेंट वाली एक अच्छे मार्केट में क्राउडेड जगह होगी। दोस्तों आप एक रनिंग कमोडिटी बेच रहे हो, याद रखिए एक चाय पीने के लिए कोई कस्टमर चल के दूर तक नहीं जाने वाला है, वो वहीं जाएगा जो उसकी ऑफिस से नजदीक हो या उसके घर से नजदीक हो। तो जगह आपकी जितनी क्राउडेड होगी, जितनी विजिबल होगी, उतना ही आपका ब्रांड जल्दी बनेगा, उतना ही वॉल्यूम ऑफ कस्टमर्स आपको ज्यादा मिलेगा। तो दोस्तों जगह लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है, हमारा काम पसंद आया, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और जल्द ही हम एक नया वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम आपको बताएंगे कि लॉकडाउन के बाद का जो पीरियड है, जो अभी का पीरियड है, वो एक नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए सबसे परफेक्ट पीरियड है। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपना ध्यान रखिए, घर में रहिए, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड टेक केयर।